गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पाठ 10 प्रेरक व्यक्तित्व के पाठ 1 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा और अब हम सुभाष चंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेता जी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी में वीरता, साहस और देशभक्ति जैसे अनेक गुण थे और इनके साथ साथ सेवा भाव भी उनमें बहुत था। तो बात उस समय की है जब सुभाष चंद्र जी स्कूल में पढ़ते थे, तब कटक शहर में हैजा फैल गया। हैजा यह एक बीमारी का नाम है जिसे कोलेरा भी कहते हैं। यह दूषित पानी या भोजन के करने से होता है और गंदगी में यह बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसके बैक्टीरिया हमारे अंदर जाकर विष को छोड़ अब इसके बैक्टीरिया शरीर में जाकर विष को छोड़ देते हैं, जिससे लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सही समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो जब सुभाष चंद्र जी स्कूल में पढ़ते थे तब कटक नामक शहर था, तो वहाँ हैजा बहुत ज्यादा फैल गया और हजारों लोग मरने लगे। सुभाष चंद्र जी अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वह उनको पसंद नहीं करते। तो इसी तरह का एक व्यक्ति था जिसका नाम हैदर था। हैदर नामक व्यक्ति ने सुभाष चंद्र जी बोस जी द्वारा किए गए कामों की आलोचना करनी शुरू कर दी। और परंतु इसी बीच क्या हुआ कि हैदर की फैमिली के कुछ मेंबर्स हैजे की चपेट में आ गए। तो जब उनकी फैमिली, हैदर नामक व्यक्ति की फैमिली हैजे की चपेट में आ गए तो कोई भी लोग उनकी सहायता करने के लिए नहीं आए। परंतु सुभाष जी सेवा भाव के वाले व्यक्ति थे और बहुत ही क्षमाशील व्यक्ति थे, इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने और उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने अपनी गलती के लिए सुभाष जी से क्षमा मांगी और यह देखकर सुभाष जी को दया आ गई और वे उस हैदर नामक व्यक्ति को समझाने लगे कि भाई रो मत, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने सेवा भाव से नेताजी ने एक दुष्ट व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित कर दिया। तो इसी तरह एक और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी आता है। तो बात उस समय की है जब वह कानपुर में रहते थे, तब क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी थे। वे मैच देख रहे थे तो किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई, तो सभी छात्र पुलिस पर भड़क पड़े और शास्त्री जी उनको समझाने लगे। परंतु सभी उन्होंने मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी, मींस पुलिस वाले मैदान में रहेंगे, तब तक मैच नहीं होगा। तो शास्त्री जी बहुत समस्या में हो गई कि शास्त्री जी को बहुत समस्या हुई कि अगर पुलिस मैदान में नहीं रहेगी तो मैच कैसे होगा और झगड़े फसाद को कौन रोकेगा। तो शास्त्री जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र लाल बहादुर शास्त्री जी की इसी बात को मान गए और मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे, तो वह बहुत गुस्सा होने लगे और उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। और शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज हो रहे हैं, आप एक भी लाल पगड़ी वाला दिखाओ तो सही। परंतु वहां कोई भी पुलिस वाला लाल पगड़ी पहने हुए नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले ने तो खाकी पगड़ी पहनी हुई थी। खाकी कलर होता है जैसे ब्राउन कलर की लाइट शेड को खाकी कलर बोलते हैं, तो पुलिस की उसी ड्रेस में थी, तो इसीलिए छात्र शास्त्री जी को कुछ नहीं कह पाए और सभी छात्र शास्त्री जी की इस सूझबूझ और वाकपटुता से चुप हो गए। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा दिया
तो वे बात मानकर चले गए। इसी तरह इसीलिए शास्त्री जी इसी तरह कठिन से कठिन काम को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर देते थे और बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझा आसानी से सुलझ जाती थी। तो शास्त्री जी कहते थे कि सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। थैंक यू।